मैं सुरुचि को अपने आप सभी का स्वागत करती हूँ इस परवरिश नाम के हमारे वर्कशॉप में, सेमिनार में, जहाँ पर आप लोगों का सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेट्स करना चाहूंगी, अभिनंदन आपको देना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, इसका मतलब कि आप एक जागरूक पेरेंट है। आपको लगता है कि आपकी परवरिश में आपको और भी कुछ चेंजेस लाने चाहिए और करनी चाहिए, ऐसी आपके अंदर फीलिंग है, इसीलिए इस वर्कशॉप को आपने ज्वाइन किया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेट्स। आप सभी को, जैसे कि आपने जब आपको लिंक मिली तो देखा आपने कि आपके बच्चों को सफल बनाने के लिए 5 आदतें कौन सी सीखनी है उन बच्चों ने, ताकि वो हमेशा सफल रहे, खुश रहे, तो वो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। और इस परवरिश नाम के जो हमारे वर्कशॉप का उद्देश्य ही यही है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनका बहुत बढ़िया तालमेल रहे, हमेशा हर फैमिली एक हैप्पी फैमिली रहे और एक हर बच्चा एक संस्कारी बच्चा रहे। हम हर एक फैमिली को एक अच्छी फैमिली बनाना चाहते हैं और हर एक बच्चे को एक संस्कारी बच्चा बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये जो एक इनिशिएटिव दीपक केरकर सर ने अबंडेंस फोरम की तरफ से लिया और हम लोगों ने वर्कशॉप शुरू किया, इसके लिए मैं अबंडेंस फोरम का और डॉक्टर दीपक केरकर सर का, मनीष सेठी सर का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और आप सभी लोगों का जिन्होंने पहले ही दिन इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर ज्वाइन करके हमारा उत्साह बढ़ाया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आप सभी का। अगर आप लोग अपने वीडियो ऑन करेंगे तो हम लोगों को ज्यादा मजा आएगा। आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आपने इंटरेक्ट भी करना चाहिए। आप लोग अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे तो हमको भी लगेगा कि हम किसी से बात कर रहे हैं, तो प्लीज अपने वीडियो ऑन कीजिए। यस, थैंक यू सो मच, सभी लोग अपने वीडियो ऑन कीजिएगा। थैंक यू सर, आप म्यूट है। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड वेलकम एवरीवन, सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुरुचि, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आज सैटरडे है और लोग अलग अलग मूड्स में रहते हैं। जैसे सैटरडे बोले तो भाई कल संडे है, ऑफ है, तो शाम को घूमना फिरना, होटलिंग करना, खाना खाने जाना, बच्चों के साथ में जाना, पिक्चर देखना, जो भी है, मगर वो सब छोड़ के आप ये प्रोग्राम में आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम परवरिश यानी बाल संगोपन, इसमें कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको मराठी समझता नहीं है? ऐसे कुछ लोग हैं, तुम्हें मराठी में बोलूंगा, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मराठी नहीं आता है, तो हाथ ऊपर कर सकते हैं आप कि मराठी आता ही नहीं। नहीं तो मैं कहा हिंदी में आता नहीं है, अडू किया जी, मराठी आता नहीं है, समीर खान आता नहीं है, ठीक है, तो मुझे हिंदी बोलना पड़ेगा। yes. ठीक है, ओके, नहीं आता है, आरती पांडे, ओके, फिर हिंदी में बात करूंगा मैं। yes. ओके, तो होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति शादी करता है और शादी करने के बहुत अलग अलग उद्देश्य होते हैं। शादी करने के उद्देश्य ऐसे होते हैं कि उम्र आ गई, उम्र में आ गए तो माँ बाप ने बोला शादी करो और शादी करनी पड़ती है, इसलिए शादी कर दिया, ये कारण हो सकता है शादी करने का। तो दूसरा हो सकता है कि नहीं, पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए कोई ना कोई, तो लाइफ पार्टनर चाहिए, साथी चाहिए, इसलिए फिर शादी करो, तो इसलिए लोग शादी करते हैं। तो कोई लोग भाई सेक्स एक भूख रहती है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जैसा खाना खाना लगता है ना, खाना खाना कंपलसरी रहता है, सेक्स तो उसके लिए कंपेनियन चाहिए, इसलिए शादी करते हैं। कुछ लोग वंश बढ़ाने के लिए शादी करते हैं कि वंश बढ़ाना है हमको, तो वंश बढ़ाने के लिए शादी करते हैं ताकि बच्चे हो जाएंगे और अपना वंश बढ़ेगा। ऐसे अलग 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 उद्देश्य शादी के होते हैं। और शादी की जो संस्था है, यह संस्था शादी की कम से कम पता नहीं कितने साल से, 1,00,000 साल पहले से शादी की संस्था चल रही है, पता नहीं कब से चालू है, मतलब शादी कब से कर रहे लोग। कुछ शास्त्र ने ऐसा बोलते कि 10,000 साल से शादी की परंपरा चल रही है, 10,000 साल। कुछ लोग बोलते कि 5,000 साल से है शादी, मतलब शादी के उसके लिए शादी नहीं करते थे लोग।
जो भी कुछ है, हम जब भी देख रहे हैं कि शादी करने का, तो कम से कम हम ऐसा समझते कि 2022 चालू है, तो हम समझते कि 2022 के पहले शादी पता नहीं कैसे होंगे, कैसे हम 2022 की बात करेंगे। ये 2022 साल में, मतलब इतने साल हो गए, 2022 वर्ष, इतने में शादी जो चल रही है उसकी हम बात करेंगे। तो उसमें फिर बच्चे होते हैं, और बच्चे करने की एक इंस्टिंक्ट है लोगों को, मतलब बच्चा चाहिए चाहिए ही चाहिए, ऐसा रहता है लोगों को, बच्चा चाहिए। और हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में ऐसा है कि बच्चा नहीं हुआ तो भी नाम रखते, कह रहे बच्चा नहीं हुआ है ना कुछ तो भी खोट है। अभी तो इतना नहीं है, मगर पहले ऐसा था कि बच्चा यदि नहीं रहा तो वो औरत को घर में बुलाया नहीं जाता था, वो उसको ऐसा बाजू में रख रहे, उसको बच्चा नहीं, उसको बुलाने का नहीं, वांस बोलते थे, वांस है ना, वांस है वो, उसको बुलाने का नहीं। जैसा हमारे इसमें क्या है, महाराष्ट्रियन संस्कृति में जैसा सवाष्ण बुलाते हैं, है ना, सवाष्ण बुलाना मतलब जिसकी शादी हुई है उसको घर में बुलाना है, कोई त्योहार है तो उसको एक देवी समझ के बुलाते हैं, तो उसको बुलाने का नहीं है क्योंकि उसको बच्चा नहीं है। मतलब इस तरह का एक लोगों में कल्चर था, अभी इतना नहीं रहा है। और अभी काफी सारे अलग अलग, मतलब ये हो गई IVF हो गए, या अलग अलग अभी ट्रीटमेंट्स है कि जिसकी वजह से बच्चा हो सकता है। अभी बच्चा तो हर एक को चाहिए, मगर बच्चे का संगोपन कैसे करना ये लोगों को मालूम नहीं। और लोग यूजली क्या करते हैं, लोग बच्चों का संगोपन ऐसा करते हैं कि जैसा मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ा किया वैसा एक तो मैं करूंगा, मुझे जैसे संस्कार किए, मुझे जैसा डिसिप्लिन लगाया वैसा मैं करूंगा, और नहीं तो फिर उसके साथ साथ मुझे जो नहीं मिला वो मैं बच्चों को दूंगा। मुझे ये नहीं मिला ना, अच्छा मुझे हमका करना था, मुझे डॉक्टर होना था, बच्चों को भी डॉक्टर बनाए कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका, है ना, मुझे ऐसा होना था वो नहीं मिला, अभी बच्चों को करें। मतलब अपना रूप बच्चों में देखते हैं, और बच्चों के जरिए अपना जो जो भी कुछ करने की इच्छा थी तो वो करने की सोचते हैं। तो एक तो उसका असर ये होता है कि मैंने मेरे माँ बाप, मतलब मुझे मेरे माँ बाप ने जैसा बड़ा किया वैसा मैं नहीं करूँ, एक वो भी होता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत कड़क डिसिप्लिन में लगाया, बहुत कड़क डिसिप्लिन, ऐसा मैं नहीं करूँगा, हमारे यहाँ से ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा भी हम बोलते हैं। और नहीं तो फिर माँ बाप ने जैसा डिसिप्लिन लाया वैसा बच्चों को देंगे डिसिप्लिन, ऐसा वो भी होता है। तो ये सब बातें हैं। तो अभी इसमें हमने सोचा कि इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम से मालूम नहीं है कि भाई क्या करना कैसे करना, तो परवरिश बच्चों की कैसे करना, क्यों इसके बारे में नाम वर्कशॉप्स ले, अलग अलग वर्कशॉप्स लेना है, और वर्कशॉप्स के जरिए माँ बाप को, पेरेंट्स को, और वो सभी फैमिली मेंबर को उसमें लाइए, लाएंगे, उनको सिखाएंगे कि भाई उनका उनका बाल संगोपन कैसे करना, संगोपन कैसे करना, परवरिश कैसे करना, पेरेंटिंग कैसे करना, वो सिखाएंगे। और वो वर्कशॉप में दादा दादी नाना नानी बैठे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि घर में वो रहते हैं और वो भी काफी सारा काम बिगाड़ देते, ऐसे देखा जाए तो वो भी काफी सारा काम बिगाड़ देते। मतलब हम कुछ करने के लिए समझो भी हमने कुछ डिसिप्लिन लगा दिया कि बच्चों को ऐसा नहीं करना, तो मेरी माँ मेरे बच्चों को पास में लेंगी और मैं नहीं दे रहा हूँ तो उसको खिला देंगी, तो मैंने बोला नहीं चॉकलेट देंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे, नहीं नहीं दादा दादी क्या करेंगे, बच्चों को चॉकलेट दे देंगे, मतलब ऐसा कुछ तो भी करेंगे कि जो अपन नहीं करना चाहते। तो ये इसमें, यदि एक मिनट है, ये मेरा नेट चले गया पता नहीं, हाँ एक मिनट है, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है बराबर, आवाज आ रही है? अच्छा हाँ, तो वो जो वर्कशॉप रहेगा उसमें क्या करेंगे हम, वर्कशॉप में क्या सिखाएंगे, तो उसका एक झलक, उसका एक इंट्रोडक्शन देने का आज का उद्देश्य है। तो वर्कशॉप जो है उसमें क्या सिखाएंगे लोगों को, और उसका एक झलक देंगे आज, और कौन सी 5 आदतें हम बच्चों को, बच्चों में लाएंगे कि जो आदतें हम बच्चों बच्चों में लाते हैं तो भाई वो सफल बनेंगे, खुश रहेंगे, तो क्या होगा। तो वर्कशॉप का एक झलक देना आज का हेतु है, और उसके लिए हमने आज का ये वर्कशॉप लिया हुआ है। यस, इमरान दलाल आपका हाथ ऊपर है, तो आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि आज का जो टॉपिक है पेरेंटिंग, इसके बारे में ही क्वेश्चन पूछिएगा, बाकी मैं टॉपिक अलग अलग लेता हूँ, तो वो टॉपिक आज मत लाइएगा,
जो समझो मेरे कोई पेशेंट है, पेशेंट को लाना है या पेशेंट को दवाई दिया है या पेशेंट, तो कृपया वो अभी मत पूछेगा क्योंकि वो अभी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है, ठीक है ना? यस, तो इमरान भाई बोलो, इमरान दलाल, आपका आवाज नहीं आ रहा इमरान, इमरान जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट इमरान, हाँ जी कीजिए। हाँ आवाज बोलिए। नहीं आ रही अभी आ रही आवाज। जियो में दूसरी टॉपिक में बात करना था, माफी चाहता हूँ, फ्रेंड्स को बात नहीं नहीं तो करना। अभी, हाँ तो अभी अभी मत बात करो दूसरे टॉपिक के ऊपर, अभी सिर्फ हम ये टॉपिक पकड़ के बात करेंगे, है ना? और आपको कोई टॉपिक है दूसरा या हमारे से कुछ मतलब चाहिए है तो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर डाल देता हूँ, वो नंबर के ऊपर कॉल करो, ताकि मेरे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए, या ये टॉपिक छोड़ के और कुछ बात करना है तो वो नंबर पे कॉल करो, ताकि मेरी अपॉइंटमेंट आपको मिल सके, नंबर डाल दो, है ना? तो अच्छा रहेगा, क्यों बाकी सारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती है लोगों को, और लोग बात करना चाहते हैं मेरे से, मगर वो टॉपिक आज का नहीं है, अभी का वो टॉपिक नहीं है, राइट? और किसी को कुछ पूछना है ये टॉपिक को पकड़ के? ये देखो ये नंबर डाले हुए इमरान भाई, ये नंबर, या नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं। यस, और किसको कुछ पूछना है? किसको पूछना है कुछ? स्वाति, आप रहती है हरदम, आपको कुछ पूछना है? स्वाति बोलिए। नहीं सर कुछ नहीं। नहीं, योगिता जी, योगिता पहचान के चेहरे, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, योगिता बोलिए, योगिता आपको कुछ बोलना है? मनीषा, मनीषा आपको कुछ पूछना है? आपको क्या चाहिए? जैसा सुरुचि ने मुझे मेरे से बात करी तो बोल रहे थे कि भाई आपको चाहिए क्या, वो आप पूछ सकते हैं आपके नाल। अरे यार सर बीच बीच में सर मराठी डॉक्टर बोला तो रिंटिंग मुझे अच्छी ऐसा लगता है। चाहिए। हाँ, एक, हाँ यस, आपको चाहिए क्या, योगिता आपके वांदेकर कुछ बोल रही हाँ थी सर, योगिता वांदेकर। योगिता हाँ बोलिए। हाँ थैंक यू सर। सर मुझे पेरेंटिंग अच्छा चाहिए, मुझे दो बच्चे हैं, एक 10 साल का है और एक 5 साल का है। अभी उनका स्टार्टिंग है स्टडी का, सब सब म्हणजे सगळ्या गोष्टींची सवय चांगली लागली पाहिजे, सगळं त्यांचं फ्युचर मला चांगलं करायचंय सर। थँक्यू सर। कितने उम्र है उनकी, कितनी उम्र है बच्चों की? मोठा बड़ा बेटा 10 साल का है सर, आणि छोटा छोटा बेटा 5 साल का है। 10 और 5, ओके गुड। क्या है कि हम बच्चों को, है ना, बच्चों को हम बोलते हैं कि वो गीली मिट्टी का गोला है, ऐसा बोलते हैं मराठी में, गीली मिट्टी का गोला। और वो गीली मिट्टी का गोला जो है, अभी वो गीली मिट्टी है तो कुम्हार जो है ना, कुम्हार, तो कुम्हार क्या करता है कि वो गीली मिट्टी जो है उससे वो चिलिम भी बना सकता है। जो चिलिम पी के लोगों को कैंसर भी हो सकता है, और वही गीली मिट्टी है उससे वो मटका भी बना सकता है जिसमें पानी ठंडा हो सकता है और पैसे की प्यास बुझ सकती है। तभी वो जो है उसको सुरई बनाना, मटका बनाना ठंडे पानी के लिए, या चिलिम बनाना, वो आपके हाथ में। और मैं जब जब इसके ऊपर भाषण देता हूँ तो लोगों का, पेरेंट्स लोगों का आक्षेप ही रहता है कि नहीं, आप है ना पेरेंट्स को ही उसमें बहुत ज्यादा दोष देते हैं। मतलब पेरेंट्स को दोष देते हैं, मतलब क्या, पेरेंट्स को देंगे ना, क्योंकि उनको बच्चा बड़ा कौन करता है, जो बच्चा बड़ा करने वाला है उसको दोष देंगे, क्योंकि वो तो गीली मिट्टी है, उसको आपने कैसा आकार दिया, उसको गीली मिट्टी है, उसको आपने चिलिम बनाया कि मटका बनाया, तो बनाने वाले को ही दोष देंगे कि आपने ऐसा कैसा बनाया भाई, तुम्हारे उसके बोलेंगे ना कि आपने ऐसा कैसा बनाया। तो मैं जैसा आज मेरे पास में एक लड़की को लाया, वो है ना करीब करीब अभी 21-22 साल का है, पैसे मांगता है घर पे, उसको 12 से 15 हजार रुपये देते हैं, अभी उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, नागपुर में पढ़ता है, 12 से 15 हजार खर्चा लगता है उसको। हाँ, उसके दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, गाड़ी पे उड़ाना, पैसे उड़ाना, होटल जाना, और नहीं गया तो चिल्लाता है चीखता है, 21-22 साल का लड़का, और उसको कुछ काम करना नहीं है, और लोगों को मालूम है क्या करना नहीं है कुछ भी। तो एक बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन है लोगों का, समझे? आप किसको पूछते ना क्या कर रहा है, बोले मैं यूपीएससी दे रहा हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं यूपीएससी। और मैं, किसने ऐसा बोला कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा होता है कुछ नहीं कर रहा है, फालतू है, टाइम पास है ना।
कुछ करना नहीं है तो फिर बोलना है मैं यूपीएससी की तैयारी कर। तो उसको पूछा मैंने क्या करा, बोले यूपीएससी की तैयारी कर। तो ऐसा रहता लोगों का, करना करना कुछ भी नहीं। तो अभी इसकी जवाबदारी किसकी है? तो जब इसकी जवाबदारी किसकी है तो मैंने पूछा, तो उसने उसके माने लाया था इसको कि जो अभी 22 साल का है, ग्रेजुएट हुआ है, ग्रेजुएशन भी ऐसे, अभी आपको मालूम है दो प्रकार के ग्रेजुएट होते हैं, एक होता है कोविड ग्रेजुएट, एक होता है नॉन कोविड ग्रेजुएट। तो कोविड ग्रेजुएट है मतलब कितना आता होगा उसको, या आप ही समझ सकते हैं कि कोविड ग्रेजुएट मतलब कितना आता है ना। दो दो है ना, अभी कोई भी उसके बाद डिग्री होती है तो कोविड है कि नॉन कोविड, डॉक्टर हुआ तो कोविड डॉक्टर है कि नॉन कोविड डॉक्टर है, सभी मतलब ऐसा रहेंगे। हाँ तो ये जो है ये कोविड का ग्रेजुएट है नंबर एक, और उसके माँ ने उसको बिगाड़ा हुआ है क्योंकि 22 साल का अकेला लड़का है, दूसरा उनको बच्चा हुआ नहीं, और फिर जब अकेला लड़का है तो फिर उसके लाड़ प्यार बहुत किए, और उसके दादी ने उसको ज्यादा बिगाड़ा। मैं बोला ना कि दादी नाना नानी दादा दादी ये जो है ये घर में ज्यादा बिगाड़ते हैं, कि माँ बाप ने स्ट्रिक्टनेस बताया तो वो लाड़ प्यार करेंगे और उनको बिगाड़ देंगे, तो उसको बिगाड़ा उन्होंने, ऐसा उसके उसका माँ का कहना था। ठीक है, तो मुझे ये कहना है कि भाई आप बच्चों के ऊपर क्या संस्कार करते हैं एज ए पेरेंट, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये पांच आदतें जो बता रहा हूँ, वो पांच आदतें बच्चों में आप लाते हैं तो डेफिनेटली बच्चों का फ्यूचर बहुत बड़ा बन सकता है। ये पांच आदतें जो है वो है टीयर्स, टीयर्स, टीयर मतलब आंसू। क्योंकि ये पांच आदतें जो बच्चों में नहीं लाए, टीयर्स नहीं लाए, तो आपके आंसू में टीयर्स आएंगे, है ना। TEARS, टीयर्स, TEARS, टीयर्स, TEARS, पांच टीयर्स। तो आप पांच आदतें नहीं लाते हैं तो डेफिनेटली आपके आंसू आंखों में आंसू आएंगे। फिर एक कौन से है, तो नंबर एक टी, टी का जो है वो टी का मतलब है, उसको अपने को बच्चों को ये सिखाना है, ट्राई समथिंग न्यू, ये आदत डालनी पड़ेगी, ट्राई समथिंग न्यू। इसका ही मतलब ये है कि क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। हम क्या करते हैं बच्चों को, हम बच्चों को घोकम पट्टी करने लगाते, क्राइम करो, है ना, मगिंग, मगिंग अप, हिंदी में क्या बोलेंगे घोकम पट्टी को, हिंदी में क्या बोलेंगे, रटाना, चलो रट ले, रट ले, पोपट पंछी बोलो, या रट रटो, रट क्या रट्टा, और जाके वहां बोल दो, है ना, रटना, रट्टा मारना, रट्टा, रट्टा मारना। हाँ, तो ये रट्टा मारना हम सिखाते हैं। और तुमको ये पूछने वाले एग्जाम में, चलो ये रट्टा मारो, प्रवीण वर्मा जी है, प्रवीण वर्मा जी लिखा है रट्टा मारो, प्रवीण वर्मा जी आपका वीडियो चालू रहा तो अच्छा है, आपसे भी बात करेंगे, तो रट्टा मारना। और हम बच्चों को यही पढ़ाते हैं बचपन से, रट्टा मारो। अब रट्टा मारने में क्या होता है कि उसको बिना समझे भी वो रट्टा मारते रहते, तो उसको समझा ही नहीं है, उसको थिंकिंग नहीं है, उसको सोच नहीं है कुछ भी, बिना सोच के बिना समझ के रट्टा मार देता है। एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे लाएगा मगर ये आगे चल के कुछ बड़ा होने वाला है नहीं, उसको सिर्फ रट्टा मारना आता है, वो कॉपी करेगा, रट्टा मारेगा, एग्जाम में पास भी होगा, अच्छे मार्क्स भी लाएगा, मगर कुछ बहुत बड़ा काम करने वाला नहीं है क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी कुछ भी होने वाली नहीं, नो क्रिएटिविटी। तो उसको ये बोलना है कि रट्टा मारने के बदले आप यदि सोच, थिंक, थिंक क्या नया कर सकता है, थिंक, ये जो निबंध है समझे एक ऐसे है, उसको रट्टा मारने के बदले तू सोच कि इसको तू कैसा प्रेजेंट अच्छा कर सकता है, अलग तरीके से तू कैसा प्रेजेंट करेगा इसको, तो ऐसा कैसा ये निबंध लिख सकता है कि एज इफ यू आर द ऑथर ऑफ द बुक या ऑथर ऑफ द एसे, कि तुमने ऐसे लिखा हुआ है, ऑथर है, ऑथर इस तरह से कैसा लिखे। हम क्या करते हैं, ये ऐसे है, मार रट्टा, एग्जाम में जाके लिख ले, अच्छे मार्क मिल जाए। क्या होता है कि बचपन में ठीक है, बचपन में एग्जाम में रट्टा मारना अच्छा है, पढ़ाई बहुत कम रहती है, मगर अभी वो जो MBBS में जाता है तो MBBS में भी एक एक किताब इतनी इतनी बड़ी बड़ी है, तुम कैसे रट्टा मारोगे, पॉसिबल ही नहीं, जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक। कोई बड़ा जो कोर्स है, बड़ा कुछ भी करना है, उसमें रट्टा मारना पॉसिबल ही नहीं है, फिर वहां एकदम वो फेल हो जाता है, वहां कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि बचपन से उसको आदत है रट्टा मारने की, इतनी बड़े बड़े किताबें रट्टा मार नहीं सकता,
और तब वहां फेल होऊंगा नहीं तो कुछ भी कर नहीं सकता। क्रिएटिविटी, यदि आपने बच्चों को यह आदत लगा दिया कि रोज कुछ तो भी नया कर, या रोज कुछ तो भी नया सोच, कुछ तो भी नया डेली, कुछ भी नया कर, 0.001% भी नया रहा तो भी चलता है, मगर कुछ तो भी नया कर। एक बहुत बड़े आदमी थे, अभी उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उनको पूछा कि भाई आप इतने बड़े बन गए, आप साइंटिस्ट बन गए, आपने इतना बड़ा काम किया, आपका नाम बहुत बड़ा हो गया, तो ये कैसा संभव हुआ? तो उन्होंने बोला कि हमारे पिताजी ने हमको एक आदत डाली बचपन से, वो आदत ऐसी थी कि हम रोज रात को साथ में खाना खाते थे, और साथ में खाना खाते थे तो उस समय हमको वो पूछते थे कि आज तूने नया क्या सीखा, या आज तूने नया क्या क्रिएट किया, बस छोटा सा भी होगा तो। और वहां से हमको आदत लग गई कि ऑलवेज थिंक, थिंक करने की आदत लग गई, थिंक, रट्टा नहीं मारना, थिंक। तो टी का जो है इसका है ट्राई समथिंग न्यू और थिंक, टी का मतलब है थिंक, थिंकिंग करने की आदत डालो, ना कि रट्टा मारने की आदत डालो। ट्राई समथिंग न्यू और ट्राई समथिंग, क्रिएट समथिंग न्यू, और टी मतलब थिंक, थिंक करने की, सोच 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 और कैसा होगा। जैसा अभी मेरे बेटे की बेटी है, तो उनको भी टीचर थे 5th September को उनको बोला कि भाई वो जो है ना वो लोअर केजी में है, तो उसको बोला कि भाई 5th September को भी राधा कृष्णन के बारे में रट्टा मार के आओ, है ना, राधा कृष्णन टीचर्स डे। तो उसने वो उसके मम्मी ने तैयार करके दिया 5-7 लाइन, बोले मारो रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा, जाके वहां बोल दो। बोले नहीं ऐसा नहीं करना, उसको बोल के राधा कृष्णन कौन थे क्या थे उसको पढ़ा, और बोलना भी तेरे तेरी भाषा में तेरे शब्दों में भी तू बता। बोले मेरे को आता नहीं, बोले तेरे को जो आता बता। फिर मैंने उसको रिलैक्स किया, रिलैक्स करके बिठाए, बोले चल अभी तूने तुझको जो भी मालूम है राधा कृष्ण के बारे में, तो बोले नहीं आता मालूम, बोले ठीक है तुमको जो भी मालूम है टीचर्स के बारे में चल बताओ टीचर्स कैसा होता है। बोले हाँ टीचर्स अच्छे होते हैं, टीचर्स अच्छा सिखाते हैं। फिर उसने बोलना है बस, मैंने बोला ये राधा कृष्ण के बारे में बोलना है, टीचर के बारे में बोला, मतलब ऐसा उनको थिंक करने के लिए आदत डाल दिया। तो क्या होगा, वो सोचेंगे नया क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी नया सोचते वो बहुत बड़े होते। यदि आप जो चालू है चल रहा है वो यदि आप काम करेंगे तो उसमें आपको कुछ ज्यादा बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला नहीं है, बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है। जो आप नए क्रिएटिविटी करते हैं, नया सोचते हैं, तो वो आदमी बड़ा होता है। अभी जो स्टार्टअप आ रहे हैं अपने इंडिया में, बहुत स्टार्टअप को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप कुछ भी नई आइडिया लेके आते, कुछ भी नया सोचते हैं, नए आइडिया लेके आते। हमको पता है यार इनको नया आइडिया कैसे क्या आ रही, इतनी नई 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 आइडिया कैसे क्या आ रही। चाय की फ्रेंचाइजी कैसे क्या हो सकती है, हम सोच भी नहीं सकते थे कि चाय की फ्रेंचाइजी। हम बोलते चाय तो भाई ताजा ताजा तैयार करो, ताजा खिलाओ, चाय ताजा पिलाओ, मगर चाय की फ्रेंचाइजी हो सकती है। पान की फ्रेंचाइजी, अभी अकोला में एक पान की फ्रेंचाइजी खुली है, उनका कलकत्ता में हेड ऑफिस है, और उन्होंने मेरे को भी याद नहीं क्या नाम है उसका, पान की फ्रेंचाइजी, पान का दुकान डाला है, और उन्होंने सब उनको तैयार करके दिया हुआ है। और पान जो है वो कम से कम कुछ तो भी 30 रुपए का पान है मिनिमम, मतलब लोएस्ट 30 रुपए का पान है, और 3,000 रुपए का हाईएस्ट है, 30 रुपए और 3,000 रुपए फ्रेंचाइजी है पान। सोच भी नहीं सकते हम ऐसा कुछ हो सकता है। अगर हमको मालूम है कि पान वो लेना, कलकत्ता पान, तंबाकू लगाना, चूना लगाना, सुपारी डालना, गुलकंद डालना, खिलाना, ये हमको मालूम था अभी, और वो इतना अच्छा पान बनाते, 3,000 रुपए का पान है। तो आपको क्या समझ में आया इसके बारे में, किसको कुछ पूछना है तो पूछ, जस्ट क्या समझ में आया, एनीबडी? हाथ ऊपर करो तो मैं अनम्यूट कर लूंगा, या सूर्य जी आप कर सकते हैं अनम्यूट। डेवलप थिंकिंग, यस डेवलप थिंकिंग। YouTube पर कितने लोग हैं उनको बोलो, YouTube पर लोग जो है ना उनको रिक्वेस्ट है कि आप यदि इधर आते हैं, 29 लोग YouTube पे हैं, YouTube पे लिंक डाल दो, और YouTube पे आप लिंक डालते हैं तो वो Zoom पे आ सकते हैं, और Zoom पे फिर हमको सवाल जवाब कर सकते हैं हमारे से। और ये जो है ना इसके बारे में हमने एक वेलनेस का भी प्रोग्राम चालू किया, वेलनेस थर्टी एक ग्रुप है। यदि आपको हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते रहते हैं तो यदि उसमें आना है अलग अलग प्रोग्राम्स में, तो वेलनेस 30 का ग्रुप है, मैं उसकी लिंक आपको दे रहा हूँ, और ये परवरिश की भी लिंक देता हूँ,
जो लोगों के पास में लिंक नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, परवरिश की आप लिंक दे दो, सुरुचि आप डाल सकती है लिंक तो डालो, ये भी डाल रहे हैं ताकि आपको वो प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिल जाए। यस मनीषा बोलिए। सर आजकल मेरा बेटा हमारा सुनता नहीं है और फ्रेंड सर्कल में ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, कोई भी चीज हमने बोला तो उसको चलता ही नहीं, अगर फ्रेंड ने वही बता, अगर फ्रेंड ने बताई चलता है तो वो एक मिनट में सुन लेता सर। हाँ तो हमको बहुत प्रॉब्लम जा रहा सर, 12 साल का है सर। करेक्ट। तो आप क्या करते हो, आपने अभी क्या बोला कि बच्चा जो है आपका बेटा जो है उसके फ्रेंड्स की सुनता है और आपके नहीं सुनता है, इसका मतलब आपने क्या बोला मुझे कि आप उसके फ्रेंड नहीं हो, नहीं आप दादागिरी करते हैं बच्चे के साथ में है ना, बच्चे के साथ में दादागिरी होती है, आप फ्रेंड नहीं है। जैसा फ्रेंड बिहेव करता है ना उसको पूछो कि आपका फ्रेंड आपके साथ कैसा बिहेव करता है, क्या करता है फ्रेंड, तो फ्रेंड को अच्छा मालूम है उसका परवरिश कैसी करना, आपको नहीं मालूम तो फ्रेंड क्या करता है। एक्चुअली रॉन्ग वर्ड भी बोले तो उसका हंसी मजाक में चल जाता है बच्चों का, और हम लोग कैसे अगर उसके इसमें बात करने में भी अगर रॉन्ग वर्ड है तो हम वही पे डांट देते सर उसको कि रॉन्ग वर्ड है, फिर से आना नहीं चाहिए, किसी के सामने बोलना नहीं, आपको किसने बोला ऐसे बोलने को, किसने सिखाया आपको, बराबर आप ट्रैक चेंज कर रहे हो, ऐसे हम बताते बोलते उसको, तो उसको शायद इरिटेट होता होगा। शायद नहीं होता ही, इरिटेट हो होता ही हाँ है ना। तो हम क्या होता है कि हम बच्चों को इरिटेट करते हैं, इरिटेट करते हैं, उनके पीछे लगते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं, उनको दबाते हैं, तो फिर उनको एक नफरत सी आ जाती है माँ बाप के बारे में, ये हम ये हरदम हमको गलत ही ठहराते हैं। और किसी को भी गलत आपने ठहराया तो किसी को भी अच्छा लगता नहीं कि मेरे को गलत ठहराया, मेरे को गलत साबित किया, किसको भी अच्छा नहीं लगता है ना गलत ठहराना। तो हमको क्या करना है वो हम आपको बता देंगे और इसके बारे में क्या है, तो क्योंकि आपको ये समझ में आया, मैंने आपको हिंट दिया कि आप उसके दोस्त नहीं है, आप है उसके दुश्मन, क्योंकि आप उसको हरदम गलत ठहराते हो, उसको उसकी मिस्टेक्स निकालते हो, उसको रॉन्ग करते हो, और किसको भी रॉन्ग किया अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, बाकी दीपा और ये रियलमी इनका हाथ ऊपर है, मैं आपको थोड़ी देर बाद में देता हूँ। सेकंड में बोलता हूँ, सेकंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड आदत, उसको आदत डालना है टी बाद में है ई, ई मतलब है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की आदत डालो। क्या होता है कि बच्चे जो है ना खेलते रहते, बहुत खेलते रहते, तो हम बोलते हैं अलग एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, बच्चों खेलते बहुत है, अलग से क्या जरूरत ही नहीं है एक्सरसाइज करने की, धूम धाम करेंगे इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसा वैसा होता क्या, जैसा बड़ा बच्चा हो जाता है सातवीं आठवीं तक वो खेलते रहता है, नौवीं फिर दसवीं जब आ जाती है तो पेरेंट्स बोलते कि अभी पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, इलेवेंथ और ट्वेल्थ में तो उसको ट्यूशन ट्यूशन ये ट्यूशन, सवेरे ट्यूशन, दोपहर को ट्यूशन, शाम को ट्यूशन, और तब उसका खेल जो है वो खत्म ही हो जाता है और उसको आदत ही नहीं रहती, उसकी आदत जो खेलने की वो निकल जाती है, और उसको आपने बचपन से एक्सरसाइज करने की आदत डाली नहीं। अब होता क्या है कि जैसा ये बड़ा होता है फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, मेडिकल में जाएगा, और कोई कोर्सेज अलग अलग करेगा, वकील होगा, आर्किटेक्ट होगा, इंजीनियर होगा, यूपीएससी करेगा, जो भी करेगा, उसको बचपन से एक्सरसाइज करने की आदत ही नहीं, खेलने की उसको इच्छा थी अभी वो खेलता नहीं है। एक्सरसाइज करना ये बेस्ट है हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, और फिर क्या होता है कि जैसा ही वो ग्रेजुएशन हो जाएगा उसका, पैसा आना हाथ में चालू हो जाएगा, जंक फूड खा रहा है, शादी हो गई और बाद में मोटापा आ गया, जैसा ही मोटापा आ गया, आजकल के बच्चे आपने देखा होगा बहुत बच्चे बड़े हैं, मोटे हैं, मोटे मोटे बच्चे हैं, क्यों, क्योंकि उनको आदत ही नहीं एक्सरसाइज करने की, उनको आदत है जंक फूड खाने की, उनको आदत है पिज्जा बर्गर पानीपुरी भेल रस्ते का जो मिलता है वो खाने की आदत है, फैटी चीज खाने की आदत है, नूडल्स खाने की आदत है, ब्रेड जाम ये खाओ, ये सब आदतें हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करो, और मोटे मोटे हो गए। आज अमेरिका में ये प्रॉब्लम है,
कि उनके यहाँ का एवरेज जो अमेरिकन है उसका वजन बहुत ज्यादा है, वैसे इंडिया में हो रहा है। आप देखो बड़े बड़े बच्चे अभी कितने मोटे दिखते हैं बच्चे, और उनका बहुत वेट ज्यादा है, उनको एक्सरसाइज मालूम ही नहीं है। और अभी आप 21-22 साल के बेटे को, बच्चे को बोलो कि तू एक्सरसाइज कर, उसके जान पे आपको यदि उसको एक्सरसाइज की आदत डालनी पड़ेगी, वो बचपन में 5 साल का हो, 6 साल का हो, 7 साल का हो, वो खेलता तो है ही, खेलते खेलते भी उसको बोला नहीं तुमको योगा करना पड़ेगा, या उसको एक्सरसाइज दौड़ना है, या उसको जो भी करना है एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज उसको बचपन में खेलता भी होगा तभी वो एक्सरसाइज तो करनी, दौड़ने की एक्सरसाइज है, जंप करो, रस्सी कूद की एक्सरसाइज है ना, कुछ भी एक्सरसाइज करने की उसको आदत डालो, ताकि वो बड़ा होने के बाद में एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेंगी खेल बन होने के बाद में, और मोटापा नहीं आएगा, और मोटापा नहीं आता है, चर्बी नहीं आएगी, तो बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। तो ये सेकंड हैबिट जो है एक्सरसाइज, मैंने बोला टी मतलब थिंक, थिंक क्रिएटिवली और ट्राई समथिंग न्यू, मैंने बोला टी, नंबर दो मैंने बोला एक्सरसाइज। यस डॉक्टर गणेश कावरे बोलो, गणेश एंड ज्योति कावरे, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, वीडियो चालू करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वीडियो चालू करो ना वीडियो। सर यार लाइन नहीं है। लाइन नहीं है, बरा बोला। सर माझा मुलगा आहे 15 वर्षाचा आहे, तो आता 9th क्लास मध्ये आहे। मी बात करेंगे ना तो अच्छा रहेगा सर। हां ठीक। अभी मेरा तन्मय नाम है उसका, और अभी 9th क्लास में है वो, 15 साल का है। तो सर उसका प्रॉब्लम एक ही है, मतलब हमारा उसको मतलब ज्यादा वो सॉन्ग ही गाता है, राइटिंग वर्क वगैरह अगर करता रहा तो सॉन्ग ही गुनगुनाता है वो घर में ज्यादा पिक्चर के। तो उसको पूछा मैंने तो क्यों इतने गाने गाता है, तो बोलता अच्छा लगता है बोले मुझे म्यूजिक। पर अभी म्यूजिक क्लास वगैरह उसको लगाया सर, तो अभी तो अगला साल तो 10th ईयर है, मतलब पढ़ाई का है ज्यादा, तो हमने उसको मतलब अभी तो नहीं लगाने का नहीं है क्लास, पर वो गाने बहुत गुनगुनाता है सर। तो क्या मतलब इस उम्र में ऐसा होता है क्या कुछ? क्या मतलब आपका सवाल क्या है? वो ज्यादा गाने गुनगुनाता है पिक्चर के। हाँ ना, तो सवाल क्या आपका? तो स्टडी करते टाइम भी वो उसके मतलब मुंह में गाने आते ज्यादा। तो फिर ये मतलब ये क्या हैबिट हो रही है उसकी, या फिर हैबिट है क्या उसकी? हैबिट हो गई उसको गाने की। अच्छा अच्छा। और उसको उसमें करियर करना है समझो गाने में। हाँ। तो करियर कर सकता है ना उसको यदि बहुत इच्छा है तो। हम क्या करेंगे कि उसको उसका पैशन है समझो कि गाना गाना चाहिए, उसको मजा आती है, हम क्या करेंगे मार ठोक के उसको पढ़ाई करने लगा देंगे। हाँ। है ना, और उसको उसमें मजा आता है तो उसमें भी करियर बना सकता है। बड़े बड़े गायक कलाकार हमको मालूम है। हाँ। है ना, उन्होंने उसमें करियर किया तो वो भी कर सकता है, वैसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई करना। सर ऐसा ऐसा एक भी गाना नहीं है जो उसको पूरा मतलब लर्न नहीं है, मतलब वो ज्यादा सुनता नहीं, फिर भी वो क्या बोलता मुझे अंदर से आ जाते बोलते हो गाने पूरा अंदर पूरा से गाना नहीं आते, अंदर कुछ नहीं है। हाँ ना, उसको वही बोला। हाँ। और उसको पूछती मैं हमेशा कि तू क्यों इतना गाने सुनता है, तू क्यों गाने इतना बोलता है। वो क्लास में भी उसके फ्रेंड बोलते बोले जब ऑफ पीरियड रहता है बोले तो सुनता ही रहता है। हाँ, सुनते रहता है। तो हाँ। उसको यदि उसमें करियर करना है और उसमें उसको मजा आता है तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? नहीं, पर सर वो तो बोलता है मैं मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। ठीक है ना, फिर तो ये गाना बोले तो एक हॉबी जैसा हो सकता है, फिर हॉबी है गाना, करियर नहीं करना है तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है सर, बस यही प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ेंगे तो मैंने बोला पहली हैबिट जो आपको लगानी है थिंक करने की, थिंक क्रिएटिवली और ट्राई समथिंग न्यू टी। फिर मैंने बताया एक्सरसाइज करने की आदत डालनी, एक्सरसाइज ई। फिर है टीयर्स का ए, ए मतलब एप्रिसिएशन, प्रशंसा, प्रशंसा करना, उसकी आदत डालना पड़ता है। हम क्या करते हैं, हम लोगों की प्रशंसा नहीं करते, लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते, लोगों की तारीफ नहीं करते हैं, हमको बहुत उसके बारे में अलग 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 विचार है। हमको भाई हैबिट यदि बच्चों का है कि भाई लोगों की प्रशंसा कर, अप्रिशिएट कर, लोगों को अच्छा बोल, है ना, तो क्या होता है लोगों को आप अच्छा बोलेंगे उनके साथ में अच्छी रिलेशनशिप हो जाएगी। मगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमको क्या लगता है कि नहीं तारीफ किया ना तो वो सिर पे चढ़ेगा, तारीफ किया तो वो ज्यादा मान जाएगा, है ना, तारीफ किया तो वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो प्रशंसा, एप्रिसिएशन क्या है कि एप्रिसिएशन हमको आदत नहीं है,
बड़े होने के बाद में हमको ये आदत ही नहीं है कि लोगों को हम अप्रिशिएट करें। छोटी छोटी बात के ऊपर भी अप्रिशिएट यदि आप करते हैं तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। अप्रिसिएशन देना, वाह वाह करना, और अच्छे पॉइंट, मतलब कोई बटरिंग नहीं है, कोई मक्खन लगाने का नहीं है, जो रियल है, जो रियल सामने वाले में है उसको अप्रिशिएट करना। मगर उसकी आदत नहीं होने से क्या होता है, हम अप्रिशिएट नहीं करते। फिर हमारे आजू बाजू के लोगों की हमको कंप्लेंट रहती है कि मैंने इतना भी काम किया तभी मुझे किसी ने कुछ अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं बोला, क्योंकि हमको आदत ही नहीं है, हम बोलते नहीं है। तो हमको बच्चों को ये सिखाने, ये सिखाओ और उसको ये आदत डालो कि चलो अप्रिशिएट करो, बाकी बच्चों को अप्रिशिएट करो, ये आदत डालनी होगी। ये आप आदत जब डालेंगे प्रशंसा करेंगे, और प्रशंसा करना उसमें भी अलग 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 मेथड से, हम तो उसके ऊपर भी एक अलग एक घंटे का क्लास ले सकते हैं कि हाउ टू अप्रिशिएट, हाउ टू एक्नॉलेज पीपल, धन्यवाद देना। हम वो भी हम सिखाते हैं बच्चों को कि भाई किसी ने आपको कुछ सपोर्ट किया तो उसको धन्यवाद दो, थैंक यू बोलो। किसी ने कुछ आपको कुछ किया है तो उसको एक्नॉलेज भी करो कि ठीक है आपने मुझे हेल्प किया है तो थैंक यू वेरी मच, वो करो। तो वो भी नहीं करेंगे हम, प्रशंसा भी नहीं करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम वो करते हैं और वो सिखाते हैं। उसके हैबिट डालना बहुत जरूरी है, उसके हैबिट डालना बहुत जरूरी है बच्चों। आपका अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, यस बोलिए। हाँ सर, माझा मुलगा आहे 12 वर्षाचा, 6 स्टँडर्ड मध्ये आहे। हाँ हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, मेरा लड़का है, 6 स्टैंडर्ड में है, 12 साल का। आजकल उसका ऐसा हो रहा है कि वो स्कूल में जाने के लिए मना कर रहा है, और अगर गया भी तो वहाँ पे उसका मन नहीं लगता। घर आके पढ़ाई वगैरह करता है लेकिन स्कूल में जाने से उसको मतलब मना ही करता है वो। उसका क्या करना, क्या है कि स्कूल फोबिया नाम की एक बीमारी है। स्कूल फोबिया है ना, ये बीमारी ही है स्कूल फोबिया, मतलब स्कूल के बारे में डर बैठ जाना। अभी हमको इसके बारे में डिटेल देखना पड़ेगा। देखो बच्चों में क्या क्या बीमारी होती है मैं आपको बताता हूँ। एक है स्कूल फोबिया, मतलब स्कूल में जाने का डर, बच्चे घर में बैठ जाते। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम जो है कि बच्चा मतलब माँ बाप आते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं इसको अक्ल है, होशियार बहुत है, मगर पढ़ाई नहीं करता, और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, बाकी सब इसमें इंटरेस्ट है ना। और माँ बाप का दिल जलता है कि अरे इतना अच्छा लड़का, इतना होशियार है, मगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, नंबर दो। नंबर तीन, कभी ये आते कि हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव, एक जगह बैठेगा नहीं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, शरारत बहुत करेगा, मारपीट करेगा, धूमधाम करेगा, और कंप्लेंट्स आएंगी स्कूल से कि देखो ये एक जगह बैठता नहीं है, तो हाइपर एक्टिविटी है। तो उसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो वो एक होता है। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उनको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, स्टटरिंग मतलब बोलने में अटकना, और अटक अटक के बात करते हैं, डर बैठ जाता है और अटक के बैठ। कुछ लोगों का रहता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत ही शर्माते हैं, कोई आ गया तो घर में अंदर भाग जाएंगे, किसी के सामने जाएंगे नहीं, किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, तो ये होता है। स्कूल फोबिया में आपको बताता हूँ कि 1000 बच्चों में, 1000 बच्चों में 4 से 5 बच्चों को ये स्कूल फोबिया नाम की बीमारी होती है, 1000 में से, है ना, मतलब 0.5% स्कूल फोबिया। और उसकी वजह से वो जाते नहीं स्कूल में, और माँ बाप को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि क्या करना। तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, है ना, हमारा जो वर्कशॉप है उसके उसमें भी बात करेंगे, स्कूल फोबिया को ट्रीट कैसा करना है। इसके अलावा काफी माँ बाप को ये प्रॉब्लम रहता है बच्चों का कि बच्चे कपड़े में पेशाब करते रात में, उसको बोलते हैं नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस। तो एक वो प्रॉब्लम रहता है नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस, वो प्रॉब्लम है। और उसमें क्या होता है कि बच्चों को शर्म आ जाती है, 7-8 साल का भी बच्चा हो या 8-9 साल का बच्चा है, 12 साल का, मेरे पास में तो ऐसे लाए कि बच्चे की बेटी की शादी तय कर लिया है, अभी माँ बाप को तकलीफ हुई, शादी होके जाएंगे तो वहां जाएंगे नहीं, कपड़े में रात को पेशाब करेंगे तो कैसा होगा, इज्जत का सवाल। मतलब इतने बच्चे बड़े होने के बाद में भी शादी, मतलब शादी के उम्र के हो तभी भी कपड़े में पेशाब रात में कर रही है, तो ये प्रॉब्लम होता है। कुछ माँ बाप का ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चा मंद बुद्धि का है, मतलब उसको बुद्धि नहीं चलती है, बुद्धि कमी है। तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनका EQ जो है, इमोशनल क्वोशेंट, मतलब IQ अच्छा है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट अच्छा है, IQ होशियार है, मगर इमोशनल क्वोशेंट जो है वो बहुत कम, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ बच्चों को बचपन में, अभी आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों को अभी बचपन में ही डिप्रेशन आ रहा है, पहले ऐसा देखते नहीं थे हम,
तो हम क्या बोलते थे, डिप्रेशन बड़ों को आता है, बड़ा हो गया तो डिप्रेशन, बच्चों को क्या टेंशन है भाई। तो आजकल बच्चों को एंग्जाइटी हो रही है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस और डिप्रेशन की बीमारी हो रही है। ये देखो ये किसने कर लिया गड़बड़, शेयरिंग। हाँ तो ये होता है ऐसा, तो ऐसे अलग 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 प्रॉब्लम्स बच्चों में है। हम प्रॉब्लम्स भी डील करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। आपको रिक्वेस्ट है कि आप इसमें जुड़ते जाइए, तो डेफिनेटली आपको ये प्रोग्राम से सपोर्ट होता जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ प्रवीण सर, मैं आपको थोड़ी देर के बाद मौका दूंगा। तो एक्सरसाइज है बाद में जो है वो है रीडिंग, बच्चों को रीडिंग की हैबिट लगाओ, और वो हम लगाते नहीं। रीडिंग टीयर्स में टी थिंकिंग, ई मतलब एक्सरसाइज, ए मीन्स एप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट, है ना, और आर मतलब रीडिंग। जितने भी बड़े लोग हो गए, बड़े बड़े लोग, फिर वो वॉरेन बफे हो, मार्क जुकरबर्ग है, या जो भी कोई बड़े, स्वामी विवेकानंद है, लोकमान्य तिलक, स्वतंत्र देव सावरकर, कोई भी बड़े पुराने जमाने के अभी जमाने के, तो उनको रीडिंग का बहुत बड़ा शौक था। क्या होता है कि रीडिंग जो है उससे बहुत मैच्योरिटी आती है, और अलग 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 लोगों की जब, अब आजकल क्या हो गया, आजकल तो सब ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, बहुत ईजी हो गया है। तो आप YouTube पे जाते हो, ऑडियो बुक लेते हो, ऑडियो बुक सुन लेते हो, तो फटाफट जाते जाते भी उसका रीडिंग हो जाएगा, मतलब किताब लाने की जरूरत नहीं। किताबें की किताबें पीडीएफ फाइल्स उपलब्ध है, कोई भी किताब आपको आज फ्री में मिल जाएगी। मगर आप जैसे ही मोबाइल बच्चों के हाथ में देंगे तो दूसरा ही प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। अभी मोबाइल एडिक्शन का जो प्रॉब्लम हो रहा है, फोन वीडियो का एडिक्शन हो गया है, मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, ये नई बीमारी चालू हो गई है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो YouTube देखने के लिए उनको देना बच्चों को मोबाइल, तो उसमें भी खतरे है, तो संभाल के देना है। अदरवाइज रीडिंग की आप हैबिट लगाते हैं बच्चों को, तो रीडिंग में उनको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा, अलग अलग टॉपिक्स, और स्पेशली उनको बचपन से यदि मोटिवेशन के बुक्स है, मोटिवेशनल स्पीचेस वो सुनाते हैं YouTube के ऊपर, मोटिवेशनल बुक्स जो है वो पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। फिर जैसे जो बड़े लोग हो गए जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, मतलब देखो आज की शिवाजी महाराज का नाम आज हम भी लेते हैं 450 साल के बाद में, वो जमाने में कि जब कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, वो जमाने में जब कोई फोन नहीं थे, ना टीवी था, ना रेडियो था, ना कुछ था, और उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, और कैसा काम किया होगा कि 450 साल बाद में भी उनका नाम आज लेते और उनके नाम के स्टैचू बनाते हैं, पुतले बनाते हैं। और अभी मतलब सुभाष चंद्र बोस जी का भी पुतला दिल्ली में स्टैचू ये किया, अनावरण किया ना, कितना बड़ा काम किया। तो इनका, इनको कहाँ से आ गया, इतनी बुद्धि कहाँ से आई, उनका कितना, कैसी एबिलिटी उनमें थी, मतलब क्या किया होगा उस जमाने में, उनके पास में था क्या। यदि वो सुनता है, वो पढ़ता है और वहां से प्रेरित होता है, तो बच्चा भी बड़ा बन सकता है। तो ये रीडिंग का जो है वो बहुत जरूरी है, रीडिंग की हैबिट। यस प्रवीण सर बोलिए, वर्मा जी आप कहाँ हो, आप कहाँ ऊपर था, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट करता हूँ आपको, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट, आवाज नहीं आ रहा। हाँ सर, नहीं मैं इसलिए, हेलो सर, मैं इसलिए किया था कि जैसे शेयरिंग का ऑप्शन बंद, अपने सिक्योरिटी में शेयरिंग का ऑप्शन और व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन बंद करना, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ क्या, ठीक है, ओके ओके। यस हर्ष, आपका हाथ बहुत समय से ऊपर है, हर्ष बताओ, बोलो हर्ष। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, एक सवाल था, जैसे ट्राई वाला जो बताया ना, ट्राई समथिंग न्यू, सिर्फ स्कूल एजुकेशन में सभी जगह समस्या है कि टीचर्स बच्चों को सिर्फ ये बताते हैं कि लेसन पढ़ा दिया, लास्ट में बस ये क्वेश्चन आंसर लिख लो और ये याद कर लो, सर ये ट्रेंड सब जगह चला आ रहा है, तो उससे बच्चों को ट्राई न्यू करवाएं, न्यू थिंग्स करवाएं एजुकेशन के अलावा, वही तो है ना। तो फिर वो स्कूल में भी उनसे बात करो, स्कूल टीचर्स को लाओ ये प्रोग्राम में अपने, उन्होंने चलो आ जाओ, देखो इस तरह का हो सकता है, हमको करना पड़ेगा ना एज ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट। वो क्या है, रट्टा मारना ये शॉर्टकट है सर, सभी जगह सभी स्कूल में ये सिस्टम चल रहा है सर, रट्टा मारो, और ये अभी आज का नहीं है, हमारे जमाने भी था, मैं जब स्कूल में था रट्टा मारो, लेसन खत्म हुआ कुछ क्वेश्चंस याद कर लो, वो फिर कॉपी में लिख लो, बस वो याद कर लो, बस वो याद कर लो, वो पहले हायर एजुकेशन में जाते थे, फिर सर प्रॉब्लम आती है वहां पे,
वो पूरी मोटी बुक्स में पूरी बुक्स पढ़ना होती है, तो उसको सर कैसे चेंज करें या उसमें क्या ऐड करें? टीचर्स लोगों का एजुकेशन होना उसमें जरूरी है। और क्या है कि जो अभी नई नई स्कूल खुली है ना, नई नई स्कूल खुली है जो, तो वो नई नई स्कूल में रट्टा मारने का कार्यक्रम बहुत कम होता है जी, है ना। जो कन्वेंशनल स्कूल है ना, वहां चलता है रट्टा मारने का जी जी। और ये आज का नहीं है, ये हमारे जमाने में था, ये हमारे टाइम में सब वही होता था, वही होता था। हमने मैंने नौवीं क्लास में या दसवीं क्लास में मैंने संस्कृत इसलिए लिया था कि संस्कृत में समझना कुछ भी नहीं है, रट्टा मारना है और पूरे के पूरे मार्क मिलते, तो 40 में से 40 मार्क मिलते, बस सिर्फ रट्टा मारो उसको समझने का कारण नहीं, जाके भड़बड़ भड़बड़ बोल दो, 40 में से 40 100% मार्क। चलिए सर, इससे टीचर से बात करेंगे सर। एक और क्वेश्चन था, सभी पेरेंट्स की एक समस्या रहती, बच्चा बस 5 मिनट मोबाइल देख लूं, कुछ सॉल्यूशन हो सकता है सर? यस, ये बहुत बड़ी मतलब यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गई, बस यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। यस, तो वही तो बोल रहा हूँ कि अभी पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई, अभी बहुत ही जिम्मेदारी बढ़ गई। अभी तो ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स भी शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट कौन नहीं मारता है? पेरेंट्स क्या करते हैं, होटल में जाओ तो देखो बच्चे वो समझो खेलते रहेंगे ना, पेरेंट्स उनके हाथ में मोबाइल पकड़ देंगे, अपन खाना खाएंगे। घर में भी ऐसे होता, घर में खाना खाते तो उसको मोबाइल पकड़ देते, वो बच्चे मोबाइल में बिजी है, इधर फिर मम्मी पापा खाना खाएंगे, है ना। मतलब बच्चों को एंगेज करने का एक जरिया, बोले तो मोबाइल दे दिया, तो वो भी हम तो शॉर्टकट करिए। सर कोई ऐसी टिप्स जिससे कि बच्चों को इस एडिक्शन से थोड़ा सा दूर कर सकें? नहीं, एडिक्शन से दूर करने के लिए देना ही नहीं पड़ता, देना ही नहीं है। देखो थोड़ा सा अल्कोहल लिया तो थोड़ा सा अल्कोहल लेने वाले कितने लोग है कि नहीं, थोड़ा सा लेंगे, ज्यादा नहीं, बस एक सिप मारेंगे, ऐसे कितने लोग है? बहुत कम है। फिर एक सिप मारते 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 कब अल्कोहल एडिक्ट बन जाता मालूम ही नहीं पड़ता, तो नहीं चलता है, तो लेने ही नहीं है, इसका आंसर है कि अल्कोहल लेने ही नहीं भाई। पर सर आज क्या है कि बच्चा चारों तरफ उसके जो सारे फ्रेंड्स है, जो पूरा सर्कल है, वो सब ये चीजें लेके बैठा हुआ है, वो चीजें उन सब चीजों से डिस्कस करता है, तो वो भी बहुत मुश्किल है सर। तो वही बच्चों के साथ में बातचीत करना, बच्चों के साथ में चर्चा करना, उनको बताना है कि भाई देख मोबाइल से क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या निगेटिव है, हम क्यों नहीं बोलते है, उसको समझाना है ना, राधर देन कि नहीं करना, चिल्लाना उसको, बोला नहीं करना, नहीं देखना मोबाइल। फिर क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि देखो भाई मेरे फ्रेंड के पिताजी उनको तो अलाउ कर रहे, मेरे पिताजी अलाउ नहीं कर रहे, तो फिर आपका दुश्मन, पिताजी दुश्मन हो गए, है ना। उसको तो फिर उसको समझाना सुनना वो जरूरी है, ठीक है। मैं एक एक मुझे पता है कि अभी 100 के ऊपर लोग थे, हर एक को अपने अपने सवाल होंगे, तो वो तो एक घंटे में बहुत मुश्किल है, हम आगे भी आते जाएंगे और ये करते जाएंगे। कि ये टॉपिक लेने का कारण ये था ये कि बहुत लोगों के बहुत सवाल है और बहुत बड़े प्रॉब्लम आजकल, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जी सर, बच्चों का प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो रहा है और आगे क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है ना। ये बच्चों ने मतलब अभी पढ़ाई नहीं करना, पैसे उड़ाना माँ बाप के, चोरी करना, ये और एक नया कार्यक्रम चालू हो गया है अभी, मतलब माँ बाप का यूजर आईडी पासवर्ड ले लेना बैंक का, उड़ाना और वहां से पैसे उड़ाना, क्रेडिट कार्ड का ये पासवर्ड ले लेना वहां से पैसे उड़ाना, ये तो हमारे तरफ बहुत पेशेंट आ रहे हैं जी। जी सर ठीक है, देखते हैं। और फिर रीडिंग मैंने बताया, और एक आखिरी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एस, वो है सपोर्ट। सपोर्ट करना, एस टी ए आर एस, सपोर्ट मतलब सपोर्ट, लोगों को सपोर्ट करना, कैसे कर सकते ये सीखा उसकी हैबिट। और सपोर्ट में क्या क्या आता है, सपोर्ट में लोगों को हेल्प करना, लोगों को शेयर करना, लोगों को देना, एक गिविंग की आदत, कंट्रीब्यूशन की आदत, देना। हम क्या करते हैं बच्चों को, देखो मैं जब छोटा था ना तो हमको सिखाया गया कि नहीं नहीं खाना खाने के पहले क्या करो, गोमाता को दो या भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, है ना। मतलब देने की आदत हमको डाली थी कि देना है। फिर कोई गेस्ट आ गया बोलते आओ खाना खाओ बैठो, है ना, ऐसे हम बोलते थे। गेस्ट कोई आ गया तो आइए आइए बैठिए बैठिए हमारे साथ में खाना खाओ। अभी हो गया क्या, दो बच्चे हैं, माँ बाप क्या करते हैं, एक एप्पल तू ले एक एप्पल तू ले, अपना अपना खाओ, लफड़े में मत पड़ो, है ना। मतलब हम शेयरिंग सिखाते नहीं लोगों को, बच्चों को शेयरिंग नहीं सिखाते, तू तेरा देख तू क्या करना है बाकी तू तेरा देख, शेयरिंग नहीं सिखाते। एक चॉकलेट है तो एक चॉकलेट आधा आधा खा सकते हैं, नहीं,
बोलता मैं नहीं दूंगा, बच्चा बोलता मैं नहीं दूंगा, बड़े सिस्टर को या बड़े भाई को या छोटे भाई को दूंगा नहीं, मैं पूरा लूंगा। वहां से चालू होती शेयरिंग, तो वे शेयर कर, हमको शेयरिंग सिखाते ही नहीं है, और फिर बड़ा होने के बाद में हम शेयरिंग नहीं करते क्योंकि हमको आदत ही नहीं है शेयरिंग करने की। और शेयरिंग में मतलब सभी आ गया, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों की मदद करना, क्योंकि लोगों को सपोर्ट करने में, लोगों को सहायता करने में, लोगों के जीवन में डिफरेंस करने में, कॉन्ट्रीब्यूशन करने में, वो जो हम सिखाते हैं तो उससे बहुत बड़ा आदमी बन सकता है जो लोगों के लिए खड़ा है, जो लोगों के लिए खड़ा है, लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, लोगों के जीवन में बदल कर रहा है, लोगों को सपोर्ट कर रहा है, तो उसका कभी भी बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि गिविंग जो है, गिविंग ये हमको मालूम ही नहीं, हमको टेकिंग मालूम है, हमको रिसीविंग मालूम है, देना मालूम ही नहीं। तो सपोर्ट, लोगों को सपोर्ट करो, लोगों को दो, लोगों के साथ में शेयरिंग करो। यदि हम लोगों को, बच्चों को सिखाते हैं, उसकी आदत डाल, इसकी मैं सब बोल रहा हूँ ना, इसकी आदत डालनी पड़ेगी, आदत से मजबूत बनाना पड़ेगा उस बच्चों को, आदत से मजबूत, तो फिर वो आदत डाल दिया तो फिर बढ़ाने के बाद में वो करेगा। हमको हमारे धर्म में ये सिखाया गया है कि नहीं भाई, आप जो कमाते हैं उसका 2%, 2.5%, 5% जो भी अलग अलग धर्मों में बताया हुआ है कि आपने डोनेट करना है, डोनेशन में देने का है, क्योंकि आप जो देते हैं वही पाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, आपको 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। जब देने के समय यदि आप मन में वो भाव सिर्फ देने का रखते हैं ना कि लेने का, तो आप जो दे रहे हैं उसमें से, उससे डबल, 1000 गुना ज्यादा, 1000 times ज्यादा आपको मिलेगा। तो वो सिखाना जरूरी है और उसकी आदत डालना जरूरी है। तू तेरा देख, मैं मेरा देख, TTMM जो है ना, तू तेरा मैं मेरा, TTMM, तो TTMM में प्रॉब्लम है, राइट? और वो बच्चों को आदत हमने जो डाला हुआ है TTMM वाली, तो वो बेकार है। कॉन्ट्रीब्यूशन करो, लोगों को दो, लोगों के जीवन में सपोर्ट करो, सिर्फ मैं मेरा जो है, मेरा एप्रिसिएशन करो, मुझे बड़ा बोलो, मुझे ग्रेट बोलो, मैं बड़ा हूं, मेरी आइडेंटिटी, मेरी प्रशंसा करो, सब मैं सब फोकस मैं है, तो उसमें दुख है आगे चल, क्योंकि मैं जो है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाला है, कभी सेटिस्फाई होते नहीं। तो ये सब हम करेंगे। मैं इसके लिए आपको बताऊंगा कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, यह 1-4 घंटे का वर्कशॉप हम लेने वाले हैं। एक मिनट आपको बताता हूँ। तो ये जो है, ये टेंटेटिव आपको डेट बता रहा हूं मैं, टेंटेटिव डेट जो है वो 2 अक्टूबर है, जो संडे है, मेरे ख्याल से संडे है, सुरुचि ना, संडे है, 2 अक्टूबर संडे है, और संडे को ही हम रखेंगे, ठीक है? संडे को 4 घंटे का वर्कशॉप रखेंगे। टेंटेटिव आपको बता रहा हूँ मैं, आप आपका कैलेंडर में बुक करो, टाइम रख लिख लो कि हमको ये अटेंड करना है, और जितने भी लोग एक साथ में बैठ सकते हैं, माँ बाप, दादा दादी, अच्छा है, घर के लोग जितने एक साथ में बैठेंगे एक ही मोबाइल के ऊपर, एक लॉगिन करेंगे तो अच्छा है, ताकि उनको भी समझ में आएगा, और 4 घंटे में जितना ज़्यादा हम कर सकेंगे उतना हम देंगे, और हर वर्कशॉप में अलग 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 सिखाते जाएंगे, तो वर्कशॉप में भी 4-4 घंटे के आप आते रहेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी सारा मिलता जाएगा। लास्ट एक आधा क्वेश्चन किसको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं आपको 2 अक्टूबर के लिए, आप आपका टाइम बुक रखो, एक तो सवेरे 10 से 2 होगा या शाम को 6 से 10 रहेगा, 6 to 10 या 10 to 2, मेरे को सॉर्ट आउट करना है थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको ये 2 टाइम दे रहा हूँ, 2 अक्टूबर 10 to 2 या 6 to 10, ठीक है ना? ये टाइम है। उसकी फी कितनी रहेंगी वो भी आपको बता दूंगा, एकदम नॉमिनल रहेंगी आपको, मतलब ऐसा कोई अखड़ेगा नहीं, ऐसी फी रहेंगी। और फी रखने का उद्देश्य है कि लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं या तो फिर आना जाना चालू रहता है, थोड़ा सा रखा फी तो उसमें लोगों को अच्छा लगता है आने के लिए। सो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। परवरिश का व्हाट्सएप की लिंक मैं आपको दे रहा हूँ फिर से, ये ग्रुप की व्हाट्सएप की, इसमें आप ज्वाइन हो जाओ, नहीं ज्वाइन हो गए होंगे तो ये ग्रुप में आना जरूरी है, ताकि आपको फिर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई ग्रुप में और देखने के लिए, एक ही ग्रुप में आप रहेंगे तो ये टॉपिक ये ग्रुप में हम चर्चा करेंगे। तो ये दिया लिंक, दिया हुआ है, इसमें आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ, वो लोग ज्वाइन हो गए, देख लो। लास्ट किसको कुछ सवाल करना है तो प्रांजलि,
लास्ट एक सवाल कर लो, बहुत समय से आपका हाथ ऊपर है, हमारा टाइम ऐसा हो गया है 9 बज गए, एक आध दो सवाल ले लेते हैं। यस, क्या होता है कि जब सवालों के जवाब देते हैं तो बाकी लोगों को भी कुछ ओपन अप हो जाता है, है ना। गुड इवनिंग सर, मुझे पूछना था सर कि अगर मैं चाहूँ कि मेरे बच्चे के साथ लाइक उसको नहीं देना है या उसको फोन नहीं देना है, उसको ज्यादा टीवी नहीं देखने देना है, उसको पहले से हर चीज रिस्ट्रिक्ट करना है, तो अगर मैं ज्यादा मेंबर के फैमिली में रह रही हूँ तो मैं बाकी लोगों को कैसे ये बोलू कि नहीं इसको ये मत करने दो करके, या फिर इसको ये करने दो करके, क्योंकि वो लोगों को मैं बोलूंगी तो वो बोलेंगे कि ये ज्यादा ही पजेसिव हो रही है, क्या बाकी लोगों के बच्चे नहीं है क्या, क्या बाकी लोग ऐसा नहीं करते है क्या, तो वो कैसे बोले। तो उनको इसलिए उनको भी ये वर्कशॉप में लाओ, जो मैं 2 अक्टूबर का वर्कशॉप बोल रहा हूँ ना, इसमें लाओ 2 अक्टूबर के वर्कशॉप में सब जितने भी घर के लोग है आपके सबको लाओ और ज्वाइन करो, ताकि फिर उनको आपको समझाने की जरूरत नहीं। प्रांजलि okay, मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर आपको लोगों को बोलना, ऐसा मन बोलना कि आप आ जाओ देखेंगे क्या क्या संभव है, तो है ना। ओके सर, करेंगे ठीक है ना। और क्या होता है कि हम बच्चों को बोलते हैं टीवी मत देख, टीवी मत देख, टीवी मत देख, ठीक है टीवी मत देख, फिर क्या कर भाई, उसको अल्टरनेट देना पड़ेगा ना, अल्टरनेटिव। अभी क्या हो गया कि मैदानी खेल खत्म ही हो गए, ग्राउंड पे कोई जाता ही नहीं, ग्राउंड वाले खेल खत्म, तो मोबाइल पे खेल खेल रहे, मोबाइल देना नहीं, फिर उसने करना क्या, मोबाइल हाथ में लेने से करना क्या, तो उसको अल्टरनेटिव भी अपने को देना पड़ेगा, और वो अल्टरनेटिव देंगे उसको तो फिर उसका टाइम जाएगा, अभी उसको अल्टरनेटिव नहीं है, बाकी बच्चे भी मोबाइल में बिजी है, बाकी बच्चे अपने अपने मोबाइल में बिजी है, तो फिर वो क्या करेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज करना, रीडिंग करवाना, क्रिएटिव थिंकिंग करने के लिए बोलना, तो ये इसमें अच्छा टाइम जाएगा, स्पेंड मच टाइम देयर। ठीक है, गुड। तो मैं सूर्य जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी काफी काम किया, काफी लोगों को इन्फॉर्म किया, और हम अबंडेंस की तरफ से, मैं मनीष सेठी जैन, सूर्य जी, आपको सबको धन्यवाद हम देते हैं, और ये 2 तारीख के प्रोग्राम में आपको हम इन्फॉर्म करेंगे, आप जरूर आना, उसके लिए बताएंगे, रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर से एक बार सबको धन्यवाद देता हूँ, और कल जिनको आने का है तो कल सेक्स एजुकेशन का वर्कशॉप है, जिनको भी आने की इच्छा है वो आ सकते हैं, उसका भी लिंक अभी मैंने डाला हुआ है, तो कल 8 से 9 है वो वर्कशॉप, और हर गुरुवार को, हर थर्सडे को हमारा रहता है स्ट्रेस फ्री इंडिया का वर्कशॉप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव मुक्त भारत अभियान, वो फ्री रहता है हर गुरुवार को आपको 9:30 बजे, तो उसकी भी लिंक मैं आपको देता हूँ स्ट्रेस फ्री इंडिया की। तो वो वेलनेस रेडी के ग्रुप में आप आइएगा, वेलनेस रेडी देखो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें भी आप आते हैं तो आपको थर्सडे की लिंक मिल जाएगी, वैसे थर्सडे की लिंक मैं इसमें भी डाल दूंगा परवरिश में, और उसमें आपको पक्की मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वेलनेस रेडी में स्ट्रेस फ्री इंडिया, तनाव मुक्त भारत, तो उसमें हम आपको आमंत्रित करते हैं गुरुवार को रात को 9:30 बजे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ बोलना है सुरु जी आपको? नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बड़ा बहुत बढ़िया वर्कशॉप हुआ सर आज का, थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू सो मच, सब लोग जो यहाँ पे आए उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट।